ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, y इक्वल्स टू ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगर मैं आपको कोई एक इक्वेशन दे दूं, सपोज दैट मैंने आपको एक इक्वेशन दी x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये मैंने कोई इक्वेशन दी और मैंने आपसे पूछा ये आप चेक करिए कि x इक्वल्स टू टू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप क्या करते थे, टू को यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो हम क्या कहते थे कि ये इक्वेशन क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें ये फंक्शन इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं है ये आपको चेक करना है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं कैसे चेक करेंगे। ये आपके पास एक फंक्शन है और ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करिए, आपको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर निकालने हैं, कौन कौन सा डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो आप ये दोनों वैल्यू निकालिए पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये समझ आया आपको। तो इसका एक डेरिवेटिव हो गया, ओके। और आपको किसकी ज़रूरत है, डबल डेरिवेटिव की, तो आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करिए क्या आएगा, e की पावर x आएगा। तो इस फंक्शन में आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला, इसके बाद एक बार फिर से कर दिया तो क्या निकल गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर x, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर x। तो आंसर क्या आया, आंसर आएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, इसको जीरो। तो ये दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये फंक्शन इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये समझ आया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन, ये हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली और देखिए, तब आपको और ज़्यादा बात समझ में आएगी। जब आपके सामने एक फंक्शन आता है तो आप सबसे पहले ये देखिए आपको कितने डेरिवेटिव की ज़रूरत है, इस में पुट करने के लिए आपको केवल सिंगल डेरिवेटिव की ज़रूरत है ना, तो आप पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल के रखिए, सिंगल डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन करिए क्या आएगा, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना, 2, और c क्या है, कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया, y डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2x प्लस 2, ये वैल्यू आप उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 चल रहा था, यहाँ पर y डैश की वैल्यू कितनी, 2x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, 2x माइनस 2। आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया, 0, 0 के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने किसके इक्वल प्रूफ कर दी, राइट हैंड साइड के, इसका मतलब सो गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो आपको समझ में आया, जब फंक्शन आता है तो आप पहले इधर देख लिया करिए कि यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, वो पहले निकालो और इसकी वैल्यू पुट करो, ये निकालो और इसकी वैल्यू पुट करो और इक्वल प्रूफ करो, इक्वल प्रूफ हो ही जाएगा बहुत आसानी से, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फिर से, यहाँ पर y डैश चाहिए तो यहाँ पर y डैश निकाल के रखेंगे, यानी सिंगल डेरिवेटिव। तो cos x का डेरिवेटिव करेंगे वो कितना होता है, माइनस sin x, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो इसको आप क्या आ जाएगा आपका आंसर, y डैश इक्वल्स टू माइनस sin x, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आपने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक सॉल्यूशन, किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या चाहिए आपको, y डैश
तो वाई डैश निकालते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसको 1 + x² की पावर 1/2 की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ना, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और 1/2 पर एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, ये समझ आया। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, 1 - 1/2, और किसका दोबारा होगा, d/dx(1 + x²). डिफ्रेंसिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है, 1/2 आगे, 1 में से 1/2 कम होगा तो -1/2 बचेगा, इसका दोबारा होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का 1/2 है, नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस के 1/2 को हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 का तो 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x, ठीक है। तो फाइनली ऊपर चल रहा है 2x और नीचे 2 √1 + x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/√1 + x², ये किसकी वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर इस वाली साइड को लेकर चलता हूँ मैं, राइट हैंड साइड, ये किसकी वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y डैश इक्वल्स टू x√1 + x², इसको रैशनलाइज करा देता हूँ, √1 + x², ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा x√1 + x², यहाँ होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, y डैश के इक्वल, और y डैश इक्वल्स टू x, इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, y, 1 √1 + x² किसके इक्वल है, y के, तो इसको आप क्या लिख दोगे, y, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 + x², यह आपने प्रूफ कर दिया कि y डैश किसके इक्वल होगा, xy/1 + x². तो हम क्या लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, और हमने क्या ला दिया, राइट हैंड साइड ला दिया, ठीक है। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, y = ax, और ये हमें गिवन है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, y डैश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, निकालते हैं, y डैश मीन्स डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा, ठीक है, ओके। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, x y डैश इक्वल्स टू क्या चल रहा है, y चल रहा है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, x into y डैश की वैल्यू क्या है, a, ठीक है, और x into a को हम क्या कहते हैं, y, है ना। तो हम किसको लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, और क्या प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर से समझिए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा। अब आप क्या लेकर चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर चलोगे तो x ऐसे लिखा, y डैश की वैल्यू कितनी है, a, और a इंटू x को आप क्या कहते हो, y, है ना, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए आप, सिक्स्थ क्वेश्चन में मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इसको निकालता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगेगा, फर्स्ट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे ही, ठीक है, डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स वाई डैश, एक्स ऐसे ही, ठीक है, वाई डैश की वैल्यू क्या आई है, एक्स
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसी आई है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में क्या चल रहा है, साइन एक्स, ऐसा चल रहा है। और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, ठीक है, ये समझ आया, ओके। अब आप यहाँ से देखिए साइन एक्स की वैल्यू, अगर आप यहाँ से निकालेंगे साइन एक्स की वैल्यू तो वो क्या आएगी, वाई अपॉन एक्स आएगी। तो साइन एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स पुट करेंगे कहीं भी जहाँ भी होगा, ठीक है। और अगर कॉस एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम जानते हो कि कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, क्वेश्चन से, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप जानते हो कॉस एक्स होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स है, ये यहाँ पुट किया, एलसीएम लोगे एलसीएम एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है निकल के, कॉस एक्स इक्वल्स टू आ रहा है, ये क्या आ रहा है, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन एक्स, हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है, वाई अपॉन एक्स। इस एक्स से एक एक्स कटेगा, इस एक्स से ये एक्स कटेगा, तो क्या बचेगा आंसर में, देखिए यहाँ एक्स से एक्स कटा तो क्या बचा था, वाई प्लस, यहाँ एक्स से एक्स कटा था तो क्या बचा था, एक्स, और साथ में क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, या मैं कहूँ कि ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। वो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और क्या लाकर दिखा दिया, राइट हैंड साइड, ठीक है।